ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द वन विच इज टेकन इन लेसर कोंटिटी इन ग्राम एज कम्पेयर टू दी अदर रिएक्टेंट इज टेकन इन लेसर कोंटिटी इन वॉलीम एज कम्पेयर टू दी अदर रिएक्टेंट गिवज द मैक्म अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिड्रेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा जो हम कम या लेसर कोंटिटी में लेते हैं या जिसकी हम क्वान्टिटी लेते हैं वॉलीम में कम मकदार में ले लेते हैं या जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट देता है या जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है तो व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट इट इज़ बेसिकली अ रिएक्टेंट रिएक्टेंट दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फ़र्श करते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं एक ए है और एक हमारे पास रिएक्टेंट बी है ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के नतीजे में हमें प्रोडक्ट हासिल होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टेंट ए है वो कितना प्रोडक्ट देता है और जो रिएक्टेंट बी है वो कितना प्रोडक्ट देता है इन दोनों में से जो लेस क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट देगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा यानी ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट जो होता है उसकी हमेशा मिनिमम क्वांटिटी होती है मिनिमम क्वांटिटी Of product. Thank you.